हेलो फ्रेंड, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हो टेलिंग पब्लिक स्कूल चैनल। कल फ्रेंड, कल के लिए जो नंबर ऑफ फोर स्टॉक होने वाला है वो कौन सा स्टॉक है और कल कैसा काम करने वाला है, वो स्टॉक में कैसे काम करना है, कहां पर बाई लेवल रहेगा, कहां पर सेल लेवल रहेगा स्टॉक के ऊपर, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कल हम लोगों को करना क्या है, आज का जैसे चार टोटल नंबर ऑफ फोर स्टॉक मैंने जो प्रोवाइड किया था उस स्टॉक में बहुत अच्छे तरीके से अब काम हुआ है। आज पूरे के पूरे स्टॉक अच्छा रैली प्रोवाइड किया है आज का दिन में। आपने मिस कर गया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा रिव्यू कर लीजिए। वीडियो को रिव्यू करके उस स्टॉक को एक बार आपका वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद देखिए कितना अच्छी तरीके से काम किया है, उसके बाद ये वीडियो देखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कल का वीडियो मिस कर गया तो इस वीडियो का आज 100% देखिए। तो कल का जो स्टॉक मैंने देने वाला हूँ वो स्टॉक को 100% नोट डाउन कीजिए और उस स्टॉक के ऊपर आप वॉच कीजिए। आपको लगता है भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ मेरा वीडियो, तो आप सिर्फ स्टॉक को आपका वॉच लिस्ट में लगा के आप वॉच कीजिए, उसके बाद दूसरे दिन का जो स्टॉक आपको मिलेगा उसके ऊपर ट्रेड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत अच्छा स्टॉक है, देखिए मैं जो चार स्टॉक देने वाला हूँ बहुत ही अच्छा स्टॉक देने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमारा पहला स्टॉक है, फर्स्ट स्टॉक है, वो है एशियन पेंट। ठीक है, सबसे पहला स्टॉक है हमारा एशियन पेंट। एशियन पेंट ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल खत्म हो चुका है। ब्रेकआउट लेवल के बाद टोटल 3 कैंडल भी अपसाइड में बना चुका है, उसके बाद भी आप सोच रहे हो भाई इसको इसमें कॉल क्यों दे रहे हो आप। उसका भी रीजन है क्योंकि मेरे को लगता है कल के लिए एक बहुत अच्छा रैली हम लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि कल का जो सिचुएशन निफ्टी में बना हुआ है अपसाइड का, बहुत अच्छा रैली का सिचुएशन बना हुआ है, उसके साथ ये थोड़ा ताल देगा तो ये बहुत अच्छी तरीके से और भी अच्छा थोड़ा परफॉर्म करेगा ये स्टॉक। अभी हम लोग चलते हैं 15 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पे, तो हम लोग वहां पर देखेंगे हमारा लेवल क्या रहने वाला है, लेवल हम लोग डिसाइड करेंगे कल के लिए, कहां पर बाय करेंगे कहां पर सेल करेंगे। हम लोग आ चुका हूँ 15 मिनट चार्ट पे। हम लोग सबसे पहले हमारा इंडिकेटर लगा लेता हूँ। हमारा जो इंडिकेटर है हमारा टीपीएस प्राइम टूल ऑलरेडी पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, आप देख सकते हो पूरे के पूरे पॉजिटिव है। आरएसआई भी हमारा पॉजिटिव है। हाँ, आरएसआई फिलहाल ओवरबॉट में है, 80 पहुंच चुका है, बट मेरे को लगता है कल और थोड़ा मॉर्निंग में जो फर्स्ट सेक्शन होगा 10 बजे 11 बजे तक ये अच्छा खासा एक रैली मॉर्निंग में प्रोवाइड करेगा, उसके बाद ये शायद डाउन आ सकता है, लेकिन मॉर्निंग में ये आपके लिए सबसे बेटर होगा। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं हमारा इंडिकेटर में, इंडिकेटर को ऑन कर लेता हूं, जो लेवल प्रोवाइड करते हैं कल के लिए, जो लेवल प्रोवाइड करेगा और ये पूरा एक्यूरेट लेवल ये प्रोवाइड करते हैं। देखिए हमारा जो नॉन ट्रेडिंग जोन है, पहले बात कर लेता हूँ, कल बाई के लिए स्टॉक को सोचेंगे, निफ्टी को बाई के लिए सोचेंगे, बैंक निफ्टी को बाई के लिए सोचेंगे, एशियन पेंट को भी बाई के लिए सोचेंगे। कहां पर बाई के लिए सोचेंगे, जहां पर अभी खड़ा है 2475 के अबाव 80 के 2480 के अबाव हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग इसको बाई के लिए सोचेंगे। अपसाइड में 5 पॉइंट के लिए हम लोग जाएंगे, 5 पॉइंट प्लस 5 पॉइंट टोटल कितना होता है भाई 10 पॉइंट। तो 10 पॉइंट के लिए हम लोग कल के ट्रेडिंग सेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे, मतलब हमारा टोटल टारगेट क्या हो जाएगा 2500 का हमारा फाइनल टारगेट रहने वाला है, मतलब जो सेकंड रेजिस्टेंस खड़ा है वो उसको अबव खड़ा है। ठीक है, यही हमारा टारगेट रहेगा कल के लिए हमारा एशियन पेंट में। अभी दूसरा स्टॉक क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरा स्टॉक के बारे में भी हम लोगों को जानना जरूरी है। ये ब्रेकआउट लेवल पे 100% खड़ा है एशियन पेंट। अभी सेकंड जो स्टॉक है वो है बायोकॉन। बायोकॉन का भी सिनेरियो सेम टू सेम है और बहुत ही अच्छा एक रैली देने के लिए रेडी है, रेडी मतलब फुल टू रेडी है कोई इसमें। आज ही इसने ब्रेकआउट किया है, कल ब्रेकआउट किया है, आज रैली अच्छा खासा प्रोवाइड किया है और कल भी एक अच्छा खासा रैली हम लोगों को मिलने वाला है। वो कौन सा लेवल पे मिलने वाला है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारा टूल अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, ऑलरेडी 2 कैंडल पॉजिटिव सेंटीमेंट में बना चुका है और हमारा आरएसआई 1 डे में बोल रहा है भाई पॉजिटिव है। तो इतना सारा कंडीशन मैच होने के बाद हम लोग क्यों सेल के लिए जाएंगे, ये बात हुई है ना। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे हम लोग देखेंगे क्या सिनेरियो है 15 मिनट चार्ट पे। देखिए 15 मिनट चार्ट हम लोग ओपन कर लिया हूं, तो हम लोग अभी हमारा इंडिकेटर को लगा लेता हूं। इंडिकेटर को लगाने के बाद हम लोगों को जो सिनेरियो आ रहा है, सबसे पहले
हमारा जो पहला लेवल निकल के आ रहे हैं, हम लोग बाई करेंगे। कहां पर बाई करेंगे? हम लोग ये लेवल के ऊपर, जहां से ये 452 के अबव हम लोग बाई करेंगे। इसको पहला टारगेट हमारा रहने वाला है 458 में बाई करेंगे हम लोग। कहां पर बाई करेंगे? 452 के अबव बाई करेंगे, और पहला टारगेट रहेगा 458 एंड सेकंड टारगेट रहने वाला है 464। मतलब बहुत लॉन्ग टारगेट रहने वाला है कल के दिन में ये बायोकन में, ठीक है। तो ये हम लोग बाई करके चलेंगे, बायोकन को हम लोग बाई करेंगे। कहां पर बाई करेंगे? हम लोग सोच बोल दिया हूं ऑनली 452 के अबव बाई करेंगे हम लोग। कोई डाउन ट्रेंड का सिग्नल मेरे को नजर नहीं आ रहा है इस स्टॉक में। अभी हम लोगों को बाई के लिए ही सोचना है ये स्टॉक में। तो हम लोग नेक्स्ट स्टॉक जो है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा आईसीआईसीआई बैंक में क्या सिनेरियो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट में। वन डे चार्ट में हमारा फुल बुलिश मूवमेंट पे दिखाई दे रहा है, बट इसमें थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट है। क्या नेगेटिव सेंटीमेंट है पूरे इसमें मैं बता रहा हूँ ये, क्योंकि अपसाइड में देखिए अच्छा खासा शेडो बनाया है। ये जो वन डे चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न बना है इसमें अच्छा खासा एक शेडो बना है अपसाइड में। मतलब अपसाइड से प्रेशर है, सेलिंग का प्रेशर है, इसलिए ये शेडो बना है। बट हमारा जो यह टूल है, टूल अभी पॉजिटिव है, टीपीएस टूल पॉजिटिव है, और हमारा जो आरएसआई है, आरएसआई भी पॉजिटिव मोमेंट पे है, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव सेंटीमेंट में जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक पे भी ऑफकोर्स। तो हम लोग चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं क्या सिनेरियो है कल के लिए, कहां कौन सा लेवल पे हम लोग बाई कर सकते हैं और कौन सा लेवल पे हम लोग सेल कर सकते हैं। देखिए सेल करेंगे तो ज्यादा बड़ा प्रॉफिट मेरे को लगता नहीं है इसमें मिलेगा। हम लोगों को बाई का सिनेरियो ज्यादा ही दिख रहा है इसमें, और हम लोग बाई करेंगे कौन सा लेवल पे? हम लोग बाई करेंगे 511। ये लेवल नोट डाउन कर लीजिए, 511 के अबव हम लोग बाई करेंगे आईसीआईसीआई बैंक को, और हमारा पहला टारगेट रहेगा 516 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 520। ये दोनों लेवल का हमारा टारगेट है अपसाइड के लिए। और हम लोग कहां पर ट्रेड लेंगे? 511 के अबव हम लोग ट्रेड लेंगे, और पहला टारगेट हमारा रहेगा बाई के लिए कल 516 एंड 520। तो ये भी हमारा बाई के लिए है, और हम लोग इसको कल हम लोगों को सेल के लिए मिलता है। तो कहां पर सेल करेंगे वो भी जान के रखता हूं आईसीआईसी बैंक का, क्योंकि आज का जो ये लेवल हमारा टूल का जो लेवल निकल रहा है 506 के बिलो हम लोग सेल करेंगे। हमारा सेलिंग मिलता है तो 506 के लिए सेल करेंगे, और टारगेट बहुत ही छोटा रहेगा, सिर्फ 502, मतलब 4 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, ज्यादा लॉन्ग टारगेट हमारा नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूम। वन डे चार्ट में हम लोग चलते हैं, वन डे चार्ट में देखते हैं हमारा के इसमें क्या सिनेरियो बना हुआ है वन डे चार्ट में। वन डे चार्ट में देखिए ये भी बुलिश ट्रेंड में है, फुल बुलिश मोमेंटम में है, और ऑलरेडी ये ब्रेकआउट लेवल के अबाव खड़ा है। ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल के बाद 2-3 कैंडल बुलिश कैंडल बना चुका है ये स्टॉक ने, और इसमें अच्छा खासा रैली का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, और नेगेटिव सेंटीमेंट भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल बना है ये इंडिसिजन एक कैंडल बना है, सर डाउन भी जा सकता है या अप भी जा सकता है। तो हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं इसका सेंटीमेंट क्या बना हुआ है और क्या कर सकते हैं, ये कहां पर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए हमारा कल के लिए जो लेवल रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो लेवल रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये स्टॉक में हम लोग बाई करेंगे ये जो अबाव है, मतलब 568 मैं एक बार लिख लेता हूँ, 568 के अबाव हम लोग बाई करेंगे, और हमारा पहला टारगेट रहने वाला है, छोटा सा टारगेट रहेगा, ज्यादा लॉन्ग टारगेट इसमें नहीं रहेगा, बाई साइड में 572 रहेगा पहला टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा 576 एंड फाइनल टारगेट इसमें टोटल 3 टारगेट रहेगा 580। तो ये लेवल को आप नोट डाउन कर लीजिए, 580, 576 एंड 572, ये 3 टारगेट रहेगा बाई साइड के लिए, ठीक है।
और इसमें हम लोग सेल साइड भी ढूंढेंगे। सेल साइड हम लोग कहां पर ढूंढेंगे, 563 के बिलो हम लोग सेल करेंगे, और हमारा पहला टारगेट रहेगा 556 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 552। ये हमारा टोटल टारगेट है, टोटल 4 स्टॉक है। ये स्टॉक में बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को कल के लिए क्या ट्रेड मिलने वाला है, तो ये स्टॉक को 100% आपका वॉच लिस्ट में रखिए। और जो लेवल मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये लेवल को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करके रखिए, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा। और हमारा ये वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सबको हेल्प होना जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल पे जुड़ी है, वहां पर हम लोग फ्री कॉल प्रोवाइड करता हूँ। हमारा जो नया स्ट्रेटेजी भी आता है, कोई स्ट्रेटेजी फ्री स्ट्रेटेजी फ्रेंड लोगों के साथ लिए आता है, तो वो भी हम लोग उसमें फ्री टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड लिंक भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इसमें बहुत सारा ऑफर भी हम लोग प्रोवाइड करता हूँ, तो 100% फ्री टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। और आप और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट www.tradingpublicschool.co.in में विजिट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।